Assalamu alaikum, Hareem here. I hope you all are good. Today's topic is for the students of MA Political Science and Political Science in CSS. Theory of Social Contract by Thomas Hobbes. Thomas Hobbes ka nazariya, maasharti muayda, social contract, jiski ye baat karta hai. Isme maashre ki baat karta hai Thomas Hobbes, iktidar e ala ki sovereignty ki baat karta hai. और उसका कंसर्न बताता है जितने भी स्टेट के सिटीजन्स हैं उनके साथ. फर्स्टली सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन. थॉमस हॉबिस के बारे में आपको पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. थॉमस हॉबिस हु इज थॉमस हॉबिस. थॉमस हॉबिस वाज एन इंग्लिश फिलोसोफर. ये इंग्लिश फलसफी हैं, ठीक है, अंग्रेज फिलोसोफर हैं. कंसिडर टू बी वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी. जितना भी ये जदीद सियासी फलसफा है उसके बानियों में इनका नाम है, ठीक है, बानी माने जाते हैं. हॉबिस इज बेस्ट नाउन फॉर हिज 1651 बुक लेवियथन. इन्होंने किताब लिखी थी एक जिसका नाम था लेवियथन. लेवियथन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, लेवियथन जो है इनकी किताब का नाम भी था लेवियथन का, क्योंकि जिक्र मिलता है ना, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं लेवियथन क्या है, माशर्ती मुआयदा, अब ये तो कोई मुआयदा है, हमें पढ़ना पड़ेगा इसमें क्या क्या हुआ था. तो बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें डिफ़िकल्टी नहीं है. जिस तरह से पाकिस्तान की हिस्ट्री है ना, उसमें फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन मैं आपको इतना यकीन दिलाती हूँ कि जो थॉमस हॉबिस का माशर्ती मुआयदा है, इसमें कोई किसी किस्म की ऐसी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है जो आपको समझ ना आ सके. इन विच ही एक्सपाउंड्स एंड इन्फ्लुएंशियल फॉर्मेशन ऑफ सोशल कंट्रैक्ट थियरी. आपको पता होना चाहिए थॉमस हॉबिस 5 अप्रैल 1588 वेस्ट शायर विल्टशायर में पैदा हुए. डाइट इन December 4, 1679 डर्बशायर यूनाइटेड किंगडम में इनकी डेथ हुई. सबसे पहले मुआहदे का आपको पता होना चाहिए, मुआहदा क्या है, जिसमें आप पाबंद हो जाते हैं, जिसमें आप कुछ लिमिटेशंस आप पर लग जाती हैं, आपको उनके अंदर रहना होता है, आप उनसे तजावज़ नहीं कर सकते. तो कुछ सोशल कंट्रैक्ट के हवाले से बात करते हैं. थियरीज इसके की कंसेप्ट यही हैं, द स्टेट ऑफ नेचर, रियासत की हालत, द सोशल कंट्रैक्ट, द सॉवरन. ये तीन चीज़ें डिस्कस करते हैं थॉमस हॉबिस. सोशल कंट्रैक्ट थ्योरी, जिसमें इन्होंने कहा है कि लोगों का ना, अब पहले तो लोग चले आपस में रह रहे थे एक सोसाइटी की फॉर्म में, लेकिन उसके बाद लोगों के लिए जो गवर्नमेंट है, स्टेट है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी रही. क्यों? क्योंकि कोई भी इंसान किसी को भी कत्ल कर सकता था, कोई किसी को मार सकता था, किसी किस्म का जुर्म कर लो कोई पूछने वाला नहीं था. तो ये हुकूमत की मशीनरी आप पर इसलिए आयद की जाती है ताकि आप पर कुछ लिमिटेशंस हों और उन लिमिटेशन से आपको अपने राइट्स मिलते हैं. अब देखें, हमारे पर पुलिस वगैरह का सिस्टम, ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये अदालतें वगैरह ना हों तो कितने ज़्यादा जराइम आम हो जाएंगे कि जो लोग हैं वो आज़ादी से रह भी नहीं सकेंगे. तो कुछ लिमिटेशंस होती हैं आपके बेनिफिट के लिए. सो पॉइंट नंबर वन, व्हेन वी केम इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद अदर्स पीपल हु एंटर्ड अ सोसाइटी. हम तब भी एक मुआहदे की सूरत में आ गए थे जब लोगों ने माशरे में, लोगों का माशरे में क्याम होता है. व्हेन वी क्रिएटेड स्टेट एंड गवर्नमेंट वी एंटर्ड अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट. जब हम रियासत में और हुकूमत में दाखिल हुए तब एक माशरती मुआहदा कायम हो गया, मतलब हम माशरती मुआहदे के तहत हो गए. की कंसेप्ट हैं इसके, द स्टेट ऑफ नेचर, अ प्री सोशल कंडीशन इन विच ही टॉक अबाउट प्री सोशल कंडीशन, द सोशल कंट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लीजिए, और मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड द सॉवरेन. द सॉवरेन, सॉवरेन कौन होता है? द लेजिटिमेट, लेजिटिमेट कहते हैं जायज, हेड, जो अपर सरबराह है ऑफ स्टेट, रियासत का. आफ्टर द सोशल कंट्रैक्ट, माशर्ती मुआहदे के बाद लोगों ने कहा कि हम जो है ना, अपने जितने भी राइट्स हैं एक पर्सन को सपोर्ट करें जो कि हमको आगे लेकर लीड करेगा. अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पर्सन सच एज अ मोनार्क और एज गवर्नमेंट एंड द पीपल रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स. ज़रूरी नहीं कि इसमें एक पर्सन हो, बल्कि इसमें ग्रुप ऑफ पीपल भी हो सकते हैं, ठीक है, ग्रुप ऑफ पर्सन्स. मोनार्क, मोनार्क किसे कहते हैं? आपको पता होना चाहिए कि मोनार्क किसे कहा जाता है.
शहनशाह को, सुल्तान को, अब फर्दर द पीपल प्रेजेंट रिप्रेजेंटिंग दम सेल्फ के लोग खुद की नुमाइंदगी करेंगे, खुद को रिप्रेजेंट करेंगे इस माशरती मुआहदे के तहत। की प्लेयर्स इन सोशल कंट्रैक्ट कौन कौन हैं, यानी किस किस ने सोशल कंट्रैक्ट में किरदार अदा किया। थॉमस ओबिस 1588-1679, जिनका टाइम पीरियड था लाइफ टाइम पीरियड, आर्ग्यूज इन फेवर ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्की। वो एब्सोल्यूट मोनार्की, शहनशाहियत की बात करते हैं। एंड ही पब्लिश्ड हिज बुक, उन्होंने किताब लिखी है एक, द लेवियथन इन 1651 में एक किताब उन्होंने लिखी। एंड इन दिस बुक ही गेव अ स्ट्राइकिंग एक्सपोजिशन ऑफ द थियरी ऑफ सोशल कंट्रैक्ट। एंड हिज ऑब्जेक्ट वाज टू डिफेंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क, एंड ही यूज द डॉक्ट्राइन ऑफ द सोशल कंट्रैक्ट टू सपोर्ट इट। अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जो शहनशाहियत है, ठीक है, शहनशाह, उसके डिफेंड, उसको डिफेंड करने के लिए कहा, जो कि सरासर गलत था। मतलब उन्होंने इस पर ऑब्जेक्ट किया, ठीक है, हिज ऑब्जेक्ट वाज टू डिफेंड द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द मोनार्क ही यूज्ड टू डॉक्ट्राइन। यानी हम जो है थोड़ा सा क्रिटिसाइज करेंगे जो आपके थॉमस हॉबिस हैं इन पर, लेकिन थॉमस हॉबिस का क्या नज़रिया था, वो आपको क्या कहना चाह रहे थे, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब इसका मकसद बादशाह के मुतलिक अनानियत, या आप उसे कह सकते, मुतलिक नान कहा जाता है जो ताकत रखता है, ताकत का सरचश्मा, यानी मुतलिक बादशाह का दिफा करना था। ये चाहता था कि बादशाह का दिफा हो, और इसने खुदावंद के नज़रिए को इस्तेमाल किया और इसकी हमायत की। तो ये सब बातें जो हैं थॉमस हॉबिस के साथ मुंसलिक की जाती हैं, जो कि थॉमस हॉबिस ने की थी, और अपनी किताब लेवियथन में उन्होंने बहुत से रेफरेंसेस दिए हुए हैं। और माशर्ती मुआहदे का जो एक सिलसिला है उसका ज़िक्र इनकी किताब लेवियथन में हमें मिलता है। थॉमस हॉबिस बिलीव डैट लाइफ इन द स्टेट ऑफ नेचर इज, अब यहाँ पर थॉमस हॉबिस आपको ज़िंदगी का एक स्केच बता रहे हैं कि ज़िंदगी कैसी है, एक रियासत के अंदर रहते हुए आपकी ज़िंदगी कैसी है, सोलिटरी, तन्हाई है, पुअर, आप कह सकते हैं कि बुरी है, नेस्टी, बहुत ही ज़्यादा बुरी है, ब्रिटिश, जालिमाना एंड शॉर्ट, और कम है, उसकी मुद्दत कम है। हिज फेमस वर्क इज़ लेवियथन, हिज मोस्ट फेमस वर्क, यानी कि इस पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फेमस काम है इसका लेवियथन। थॉमस हॉबिस बिलीव दैट ह्यूमंस आर इनहेरेंटली बैड बिकॉज एवरी मैन इज सेल्फ इंटरेस्टेड, यानी इंसान जो है ना वो अच्छा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वो अपने फ़ायदे को देखता है, दूसरों के फ़ायदे को नहीं देखता। हॉबिस फेल्ट दैट इट वॉज बेस्ट टू सबमिट टू द विल ऑफ सॉवरन विदाउट क्वेश्चन, हमें चाहिए कि हम बग़ैर किसी सवाल के, हम सवाल ना उठाएं, हम सिर्फ़ और सिर्फ अपने आप को सॉवरन के हवाले कर दें। सॉवरन कौन है, जो कि हमारे पर ताकत रखता है, रियासत को कंट्रोल करने वाली एक ताकत। थॉमस हॉबिस मैन इंटर्ड इनटू द गवर्नमेंट फॉर सेफ्टी, इंसान जो है वो गवर्नमेंट के तहत क्यों है, गवर्नमेंट के सिलसिले में क्यों आया, क्योंकि वो अपने आप को महफूज रखना चाहता था, वो सेफ्टी चाहता था, इसलिए तो हमने गवर्नमेंट कायम की है कि गवर्नमेंट हमें राइट्स देगी, हमारी जितनी भी ज़रूरियात हैं, हमारी नीड्स हैं, उनको पूरा किया जाएगा, हम सेफ रह सकेंगे। द मेन रोल ऑफ गवर्नमेंट इज़ टू प्रोटेक्ट इट्स सिटीजन्स, कि गवर्नमेंट का क्या किरदार होता है कि वो अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करे। राइट्स एंड लिबर्टी ऑलवेज केम आफ्टर सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन, और जो आपके हकूक हैं और आज़ादी, इनका ताल्लुक जो है ना आपको बाद में नज़र आता है जब आपको सेफ्टी और प्रोटेक्शन दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। नेवर एवर थ्रो द गवर्नमेंट बिकॉज डूइंग सो क्रिएट्स एनार्की, देन देयर इज नो सेफ्टी। एनार्की जो है इट्स द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, जिस तरह से डेमोक्रेसी है इसी तरह से एनार्की है। तो हुकूमत को कभी भी माजूल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से एनार्की पैदा हो जाएगी, और एनार्की जब आएगी तो इससे आप महफूज नहीं रह सकेंगे, तो फिर कोई हिफाजत पॉसिबल नहीं होगी। स्टेट ऑफ नेचर, रियासत की हालत, करेक्टराइज्ड एज द प्री सोशल फेज ऑफ ह्यूमन नेचर। तो प्री सोशल, प्री मतलब पहले का माशर्ती एक जो फेज था उसकी बात करता है इंसान की नेचर की। एंड द लिबर्टी डैट
ईच मैन हैज़ टू यूज़ हिज ओन पावर फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ हिज ओन नेचर। यानी जो भी इंसान अपनी आज़ादी को इस्तेमाल करेगा, हर एक को अपनी कुदरत को यानी फितरत के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करे, यानी जो भी इंसान आज़ादी से मुस्तफ़ीद होगा तो वो फितरत के अपनी कुदरत को अपनी फितरत के तहफ्फुज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये इसकी कोटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट। जब भी आप आंसर में लिखने लगे तो इसको ज़रूर मेंशन कीजिएगा। मैन नोच एट ऑल सोशल एंड डिड नथिंग बट ग्रीफ इन द कंपनी ऑफ हिज फेलोज, ऑल बींग ऑलमोस्ट इक्वल सेल्फिश सेल्फ सीकिंग इगोस्टिक ब्रिटल एंड एग्रेसिव। इंसान बिल्कुल भी समाजी नहीं है, अगर देखा जाए तो अपने साथियों की सोहबत में गम के सिवा कुछ नहीं, और सभी यकसा तौर पर खुदगर्ज हैं, खुद की तलाश में रहते हैं और सिर्फ अपने बारे में। उनकी अना का भी मसला है, जालिम है और जारहाना एक उनमें अमल पाया जाता है। नेक्स्ट है हॉबीज़ का जो व्यू है रियासत के बारे में, रियासत की ऑन द स्टेट ऑफ नेचर। हॉबीज़, द स्टेट ऑफ नेचर इज़ अ डेंजरस प्लेस एंड लाइफ ऑफ मैन इज सॉलिटरी पुअर नास्टी ब्रिटिश एंड शॉर्ट। ये मैं आपको पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। द कंट्रैक्ट एक्टेड टू सरेंडर देयर नेचुरल राइट्स इनटू द हैंड्स ऑफ कॉमन सुपीरियर टू ओबे हिज कमांड्स। वो अपने कुदरती हकूक या फितरी हकूक एक किसी सुपीरियर को दे देते हैं और फिर उसकी कमांड पर अमल दरामद होते हैं। द कंट्रैक्ट बाइंडिंग ईच एंड ऑल द ऑल टू अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस टू अ सोवरेन कुड रियली एस्टैब्लिश अ स्टेबल कॉमनवेल्थ। अब आपको कोई किसी किस्म का ऐसा राइट नहीं दिया गया कि आप जो है कोई सवाल उठा सके, तो आप अनक्वेश्चनिंग ओबीडियंस करेंगे टू द सोवरेन। ठीक है, जो भी आप पर ताकत है, जो भी आप पर सुपीरियर है, उसके आपने फर्मा बरदार रहना है। तो इससे आपकी जो मुस्तहकम दौलत मुश्तरका है वो कायम होगी। सो ये था आपका सोशल कंट्रैक्ट बाय थॉमस होबीज। ये नज़रिया था, ये कंसेप्ट देता है, इसके अलावा वो कोई ऐसी कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं करता जिससे आप कंफ्यूज हों। आई होप दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल टू यू। लेकिन अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन हो या कोई किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो, यू मे आस्क एनी टाइम। Stay connected. Do not forget to give your views in comment section. Allah Hafiz.